महाराष्ट्र के करीब 21 जिलों से किसान यहाँ पे आए हैं, आदिवासी यहाँ पे आ रहे हैं, और जो दिल्ली में किसान आंदोलन का माहौल बना है करीब 2 महीनों से, अब ये आंदोलन अलग अलग देश में अलग अलग राज्यों में भी हो रहा है, और ये फिलहाल मुंबई की स्थिति है। मुंबई में भी आज किसान मोर्चा मुंबई के इस आजाद मैदान में आयोजित किया गया हुआ है, और ये फिलहाल ये जो आप डांस मेरे पीछे देख रहे हैं, अलग अलग तरीके की नारेबाजी हो रही है, डांस हो रहे हैं, जो भी कल्चर है वो भी इस आंदोलन में दिखाया जा रहा है। ये उत्तर महाराष्ट्र के यानी नंदुरबार धुलिया ये जो जिले हैं महाराष्ट्र के, वहाँ के जो आदिवासी किसान हैं उनका एक ट्रेडिशनल डांस है, वो भी वहाँ पे यहाँ पे किया जा रहा है, और साथ ही साथ नारेबाजी भी हो रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 10,000 के आसपास किसान जो है यहाँ पे आए हैं और 21 जिलों से आए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। जो लेफ्ट संगठनाएं हैं, जो किसान सभा है उनकी, उसकी अगुवाई में ये जो पूरा किसान मार्च जो है वो आज यहाँ पे होगा। कल नासिक से पैदल चलते हुए या फिर बाइक रैली करते हुए ये किसान जो है उत्तर महाराष्ट्र से ज्यादातर वहां से शुरू हो गए और यहाँ के मुंबई के आजाद मैदान में जो आए हैं। आजाद मैदान हमेशा मुंबई में किसी भी तरह की प्रोटेस्ट के लिए एक अहम जगह इतिहास से माना जाता है। यहाँ के किसानों से बात कर रहे थे तब तो यही पता चलता है कि उनको महाराष्ट्र किसानों का भी दिल्ली में, पंजाब हरियाणा के किसान जो बैठे हुए हैं वहाँ पे, ये जो किसान मोर्चा है इनमें से कुछ लोग कुछ दिनों के लिए दिल्ली भी गए हुए थे, तो उनकी भी ये मांग है कि हम उनके सपोर्ट के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। कुछ किसान हमारे साथ हैं, कहाँ से आए हैं आप? पालघर। पालघर से? हाँ। अच्छा, क्या आपकी मांगे क्या है, क्या आप कल से चलते आए हैं? हम पालघर से इधर तक आए, आज तक 23 तारीख से निकला था पालघर से। अच्छा। हाँ, और कितने लोग हैं अभी आपके पालघर के, आपके साथ कितने लोग हैं? हमारे साथ कम से कम बहुत गाड़ियां है, कम से कम 1,000 गाड़ियां है। हाँ। क्या आप दिल्ली का आंदोलन देख रहे थे इतने दिनों से? दिल्ली में भी गया था। आप भी गए थे दिल्ली में? हाँ, गया थे। अच्छा, कितने दिन थे दिल्ली में? 8 दिन तक निकल के आए उधर। अच्छा। हाँ, और क्या आपकी अब मांगे क्या है कि महाराष्ट्र में, दिल्ली में जितना बड़ा हुआ है, महाराष्ट्र में अभी 2 महीने बाद इतना बड़ा आंदोलन दिखाई दे रहा है, क्या महाराष्ट्र किसान का भी वही कहना है जो दिल्ली के किसान का है? ओ, ऐसे ही हमारा महाराष्ट्र का है। दूसरा मांगने के हम लोग बहुत कभी से हमारे जीवन के लिए छोटे से टुकड़े जमीन के, फॉरेस्ट प्लाट है, वर्कर्स जमीन है, ये सरकार के पास हम लोग मांग कर रहे हैं कभी से, हमारे जो पट्टा है हमारे नाम पे कर दो, थोड़ी सी जमीन हमारे पास खाने के जगने के लिए, लेकिन ये नहीं होते है। लेकिन 2014 में मोदी ने ऐसा आश्वासन दिया था, अच्छे दिन आने वाले हैं, 15 लाख रुपए खाते में डालने वाले हैं, ऐसा करके लोगों ने मत दिया, उसको चुन के दिया। लेकिन अभी 3 कानून का काला कायदा शेतकरी के विरुद्ध में वापस लाया, हमको जो गरीब शेतकरी गरीब जनता है उसको बहुत 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 नुकसान हो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है। पालघर से आए हुए किसान है, इनकी छोटी जमीन है, इनके पास 2 एकड़ है, 5 एकड़ है, कोई बड़ा खेती वाला किसान यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि वो जो कुछ भी उगाते हैं, आप शायद मेरे पीछे सुन रहे होंगे ये जो गाना चल रहा है, नारेबाजी हो रही है, जो आदिवासी किसानों के गाने हैं वो यहाँ पे गाए जा रहे हैं, और अभी कुछ देर में ही यहाँ पे सभा जो है वो होने वाली है। तो इनका ये कहना है कि उनको सरकार की नीयत पे विश्वास नहीं है, और जो छोटे उगाने वाले हैं, जो अपने घर में थोड़ा धान जाता है, अनाज जाता है, जो भी खेत में उगाते हैं और थोड़ा जाके बाजार में वो बेचते हैं या फिर मंडी में जाके बेचते हैं, तो इसमें कोई उनको फंसाता नहीं है, सालों से चलती आ रही है, लेकिन अगर प्राइवेट लोग आएंगे तो उनको फंसाया जाएगा, ऐसा उनको लगता है। अब फिलहाल महाराष्ट्र में जो सरकार है, कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी की, ये सरकार आज के इस मार्च को, इनके इस आंदोलन को सपोर्ट कर रही है। फिलहाल आज यहाँ पे रुकेंगे, रात में भी यहीं पे रुकेंगे, और कल यहाँ पे 26 जनवरी है, तो ध्वजारोहण करके, ध्वज को प्रणाम करके ही वो वापस फिर से अपने अपने घर चले जाएंगे। तो फिलहाल महाराष्ट्र के इस किसान आंदोलन की यही तस्वीर है।